कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है और अल्लाह तबारक व ताला गैबुल गैब है, यानी सारी छुपी हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा छुपा हुआ, कि दूसरी छुपी हुई चीज़ों को तो आज नहीं कल किसी न किसी तरीके से मालूम किया जा सकता है, मगर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात की पूरी मारिफत हम लोगों को कभी हासिल नहीं हो सकती है। अल्लाह तबारक व ताला को हम उसकी कुदरतों से, उसकी पैदा की हुई चीज़ों ही से पहचानते हैं, और जितना शरीयत की तरफ से हमें बताया गया उन तालीमात के ज़रिए से हम अल्लाह तबारक व ताला को पहचानते हैं। और अल्लाह ने बहुत बरगुज़ीदा मखलूक भी पैदा फरमाई, जैसे फरिश्ते हैं और अम्बियाए किराम हैं, मगर अल्लाह ने ये नेमत फरिश्तों को भी अता नहीं फरमाई। इवन के जो फरिश्ते अर्शे इलाही को उठाए हुए हैं और उनका दर्जा और मकाम बड़ा ऊंचा है, उन्होंने भी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात का दीदार नहीं किया, और उसके अलावा दूसरे मुकर्रब फरिश्तों को भी ये दीदार नसीब नहीं हुआ। 1,24,000 कमोबेश अम्बियाए किराम दुनिया में जलवागर हुए, अल्लाह ने उनको भी वो दीदार अता नहीं फरमाया। और ये दीदार अता हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में माथे की आँखों से अपनी शान के लायक अल्लाह ने ये दीदार अता फरमाया। और इसी पर अहले सुन्नत वल जमात का इत्तेफाक है, इजमा है, और इस पर बेशुमार हदीसें हैं। खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, रायतु रब्बी फ़ी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को उसकी शान के लायक सूरत में देखा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसका इजहार फरमाया है। लिहाजा इस बात का इनका अहले सुन्नत व जमात में से किसी ने नहीं किया है, और तमाम मुसलमानों को इस अकीदे और नज़रिए पर रहना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी ज़ात का दीदार अता फरमाया है। रह गया आखिरत में अल्लाह का दीदार, तो वो कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी उसके बारे में सबूत है। वजूह यौम एदिन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि बहुत सारे चेहरे कल बरोज़ क़यामत तरोताज़ा होंगे और वो अपने रब को देख रहे होंगे। तो कुरान ने वाज़े अल्फाज में ये बताया है कि क़यामत के बाद में हिसाब किताब हो जाएगा, तो अहले जन्नत को अल्लाह तबारक व ताला अपना दीदार अता फरमाएगा। तो हम लोगों को ये नेमत आखिरत में मिलेगी, लेकिन हमारे नबी को दुनिया में ये नेमत अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई है। हमारी आंखें दुनिया देखती है, आखिरत हमें नज़र नहीं आती, हमारे लिए गैब है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसी निगाहें अता फरमाई थी कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ख़ुद इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि मैं हौज़े कौसर को अपनी जगह से देख रहा हूँ। यानी हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम मदीना में रहकर ये फरमाते थे कि मैं अपने हौज़े कौसर को यहाँ से देख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हौज़े कौसर आखिरत की एक नेमत है, लेकिन नबी फरमाते हैं कि मैं मदीने से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। इसी तरीके से बुखारी की हदीस है जो सन इक्लिप्स की नमाज के सिलसिले में इमाम बुखारी ने जहाँ रिवायत किया है उसमें उन्होंने इस हदीस को नकल फरमाया है, तो उसमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी नमाज पढ़ी तो अपना हाथ हालत नमाज में आपने बुलंदी की तरफ उठाया। नमाज ख़त्म होने के बाद में सहाबा ने पूछा कि हुजूर नमाज में हाथ आपने क्यों उठाया था, तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने जन्नत थी और मैंने अपने हाथ से जन्नत में अंगूर के खोशे को पकड़ा, उसके बंच को पकड़ा, और मैंने चाहा कि उसको तोड़ लूं, मगर
फिर मैंने आखिरत को जो गैब है उसे गैब रहने दिया, मैंने हाथ में पकड़ा और उसको छोड़ दिया। अगर मैं उसको तोड़ के ले आता तो तुम उस अंगूर को, उस ग्रेप्स को खाते और कयामत तक वो ख़त्म ही नहीं होती। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ये हदीस भी बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर ने मस्जिद में हाथ बढ़ा करके सहाबा को ये कहा कि मैंने जन्नत में अंगूर के बंच को पकड़ा था। और किसी ने भी इनकार नहीं किया। उसके बाद से लेके आज तक रिवायतें चली आई हैं तो पता ये चला कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये अजमत शान अता फरमाई है कि आप दुनिया में रहते हुए भी आखिरत पर नजर ही नहीं रखते, बल्कि आखिरत दुनिया में रहते हुए आपके कमजोर कुदरत के अंदर है कि आप उसमें भी तसर्रुफ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा शर्फ है कि हमारे नबी का कि वो आखिरत को देख भी सकते हैं, आखिरत में तसर्रुफ भी कर सकते हैं। रह गया हमारा सवाल तो ना हम हौज़े कौसर को अभी देख सकते हैं, ना जन्नत को अभी देख सकते हैं, ना जहन्नम को अभी देख सकते हैं, बल्कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे आखिरत में अल्लाह उठाएगा तो हमारे सामने ऐसी निगाहें हमें दी जाएंगी कि हम जन्नत जहन्नम और आखिरत की चीज़ों को देख सकेंगे। तो हमारे नबी का ये कमाल है कि वो दुनिया में रहते हुए दुनिया के भी है, दुनिया में रहते हुए बरज़ख के भी हैं और दुनिया में रहते हुए आखिरत के भी हैं। बरज़ख का वही ये भी बुखारी की हदीस, इत्तेफाक़ की बात के मैं जो बातें तीनों ज़माने से बता रहा हूँ वो तीनों की तीनों बुखारी की है। वो वज़ू के चैप्टर में इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों से गुजरे, उनको अजाब हो रहा था तो आपने फरमा के इनको अजाब हो रहा है। लंबी हदीस है, मैं उसका मासल बताता हूँ। हुज़ूर ने एक खजूर की ब्रांच मंगवाई, उसको दो हिस्सा किया, एक एक कब्र के ऊपर एक हिस्से को आपने गाड़ दिया और उसके बाद में फरमाया कि जब तक ये हरी रहेगी, सूख नहीं जाएगी, वहां तक इन लोगों के अजाब में तख़फीफ होगी। तो ये कब्र जो है वो आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख का अजाब हुज़ूर ने बाहर ही अपनी आंखों से देखा और बताया, जन्नत और जहन्नम को आंखों से देखा और बताया। और जहां तक बहुत दूर देखने का सवाल है तो हुज़ूर ने फरमा कि मैं अपनी जगह से बैठ करके हौज़े कौसर को देख रहा हूं। तो ये हमारे नबी का कमाल है और हमारे नबी का ये एक शर्फ है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है कि आप दुनिया में भी बैक वक्त हाजिर थे, आलम बरज़ख पर भी नजर रखते थे और तसर्रुफ कर सकते थे और आलम आखिरत को भी देखते थे और उसमें तसर्रुफ कर सकते थे। तो ये तो दूसरे नबियों को भी शर्फ मिला है कि उन्होंने ये सब देखा है माते की आंखों से, जैसे हज़रत इदरीस वहाँ जंगल तक पहुँच गए, उन्होंने ये सब देखा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सातवें सिपारे में जहाँ उनका जिक्र हुआ है वहाँ वकदालिक नूरी इब्राहिम मलकूत समावाते वलग वलियकून मिनल मोकिनीन, जो कुरान की आयत है उसमें बता गया कि हज़रत इब्राहिम को उनकी जगह पर रख करके अल्लाह ने पूरा जहाँ दिखा दिया, यहाँ तक कि आखिरत तक के अहवाल को उसी जगह पर रहते हुए दिखा दिया। तो ये शर्फ तो दूसरे नबियों को भी मिला है, लेकिन जहाँ तक तसर्रुफ का सवाल है तो वो हमारे नबी को अल्लाह ने अता फरमाया और अल्लाह की ज़ात का दीदार है तो वो हुजूर के सिवा किसी को नहीं मिला। Seeing Allah subhanahu wa ta'ala in the dunya is not possible. In the world is not possible for anyone to see Allah subhanahu wa ta'ala. But this speciality was blessed upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on this night of Mi'raj. So when he went to the heavens and beyond where Allah subhanahu wa ta'ala took him, he saw Allah subhanahu wa ta'ala with his own two eyes. In the world, no one can see Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the speciality of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to the extent that the angels that are closest in the core of Allah subhanahu wa ta'ala, even they have not seen Allah subhanahu wa ta'ala. Only the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in this world, he has seen Allah subhanahu wa ta'ala with his own two eyes. And this is narrated in different narrations where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that I saw my Lord in the best of form. So he saw Allah subhanahu wa ta'ala. It's narrated in different narrations that he saw Allah subhanahu wa ta'ala. With regards to anyone else seeing Allah subhanahu wa ta'ala, then this is not possible in the world. It is only possible for us to see Allah subhanahu wa ta'ala with our two eyes in whatever way Allah subhanahu wa ta'ala wills for us to see Him.
in the hereafter. This is reserved for the believers in the hereafter, as mentioned in the Quran. Now people's faces will be lighting up. So they'll be glowing by seeing Allah subhanahu wa ta'ala. So we'll see Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter, but in this world it's not possible for anyone except the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is one of the specialities of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was blessed with special vision. And his eyesight was more powerful than any other person within creation. So in different narrations, this is evident. This is evidence from different narrations that the Prophet ﷺ, he was standing in the masjid, and he said that at this point, so where he was standing, at this point I can see the Holy Kawthar, that I can see the pond that the Prophet ﷺ has been blessed with, which the Ummah of the Prophet ﷺ will drink from. He's saying when he was standing in the masjid that I see this pond from here whilst he was standing in the masjid. So these are things of the hereafter, and the Prophet ﷺ was standing in the world at this time and he said that he is seeing what is in the hereafter. So the Prophet ﷺ's vision is very special and very powerful. And also in another narration, the Prophet ﷺ was leading salah and he extended his hand forward, and then after a short while he retracted his hand. So the companions after salah, they asked the Prophet ﷺ what the reason was, why he did that. So the Prophet ﷺ said that whilst I was standing here, I was looking into Jannah and I saw a bunch of grapes, and I was willing, or I was wishing to take those grapes and bring those grapes into this dunya. But then I stopped myself and I decided to keep the things of the hereafter in the hereafter. Were I to bring it into this world, then the grapes would not finish at all, and they would last until Qiyamah. And also in another narration, the Prophet ﷺ, it's a very famous narration, he passed by two graves and the people within the grave were being punished. So he put, the Prophet ﷺ requested for palm tree, so the date tree, to be brought, branches of it. And the Prophet ﷺ, he placed these branches onto the grave and he said that for as long as these branches stay fresh, then the punishment in the grave for these people will be lessened and lightened. So this is what the Prophet ﷺ said. So this shows the Prophet ﷺ's special vision and power, that while standing in the world, the Prophet ﷺ was able to see in the grave. While standing in the world, the Prophet ﷺ was able to see into Jannah and the fruits of Jannah. And whilst in this world, the Prophet ﷺ was able to see the Holy Kawthar, which is in the hereafter. So one of the reasons why we commemorate this night is also because of this blessing that the Prophet ﷺ has been blessed with, of seeing Allah subhanahu wa ta'ala, which is a speciality of the Prophet ﷺ. So while commemorating this, we remember this night and we worship on this night in order to remember these blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon the Prophet ﷺ.